हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर को कंटिन्यू किया है। आज की इस टॉपिक में जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो प्रीडेटरी फिशेस, एक्वाटिक वीड्स, लेक्स, एल्गल ब्लूम्स, ये फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर के अंदर ये टॉपिक दिए गए हैं। तो इन्हीं पे क्वेश्चन जो है आज के इस लेक्चर में है। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो है, ए लार्वीवोरस फिश इज, लार्वीवोरस फिश क्या होती है और लार्वी फिश इनमें से कौन सी है। देखिए, जो लार्वीवोरस फिशेज हैं वो लार्वा खाती हैं। किसका लार्वा खाती हैं ये भी आपको बताएंगे हम। इसमें से जो फिशेज हैं कौन सी है जो लार्वीवोरस फिश है, इसका जो आंसर है वो है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया जो है इसकी तकरीबन 40 स्पीशीज है, याद रखना कितनी, 40 स्पीशीज जो है गैम्बूसिया की है। और ये एक ऐसी फिश है जिसको हम लार्वीवोरस फिश कहते हैं। ये फैमिली पोसिलिडिया के अंदर आती है और ये विविपेरस फिश है। क्या है? विविपेरस फिश है। फिश विच एरिडिकेट मॉस्किटो लार्वाइज, रूहू एनावास क्लेरिस गैम्बूसिया, या फिर इसका जो आंसर आ गया वो आ गया गैम्बूसिया। ये जो डाइट होती है इस फिश की वो होती है मॉस्किटो लार्वा। अब जो मॉस्किटो का जो लार्वा है उसको ये खा जाती है। दैट मीन्स जो मॉस्किटो है वो उसका जब लार्वा खत्म हो गया तो उसकी पॉपुलेशन खत्म होगी। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये एक मॉस्किटो फिश है। इसका नाम मॉस्किटो फिश है जो कि लार्वा खाती है। क्या खाती है? मॉस्किटो का लार्वा को खत्म कर देती है। ओके, और यहां पे ये क्वेश्चन जो है, मॉस्किटो लार्वा कैन बी प्रिवेंटेड टू ग्रो इन पॉन्ड्स, राइस फील्ड्स बाय इनोकुलेटिंग देम विद। अब इसका जो आंसर है वो है माइक्रोसिस्टिक। क्या है? माइक्रोसिस्टिक जो है इसका आंसर है। अब क्या होता है, जो ये साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है ना, इसके जो है माइक्रोसिस्टिक एरोगनोसा, ये काज करता है डेथ ऑफ द लार्वा बाय प्रोड्यूसिंग न्यूरोटॉक्सिंस एंड हेपेटोटॉक्सिंस। ठीक है ना, क्या करता है ये जो माइक्रोसिस्टिक है ना, माइक्रोसिस्टिक जो है ये साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है ना, माइक्रोसिस्टिक साइनोबैक्टीरिया, ये काज करता है डेथ किसकी, लार्वा की। क्यों, किस तरह करता है? क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिंस के अंदर होते हैं, हाइपोटॉक्सिंस होते हैं, जिसकी वजह से वो जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो मॉस्किटो की लार्वा के साथ साथ हम माइक्रोसिस्टिक को भी हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो मॉस्किटो का जो लार्वा है वो राइस फील्ड के अंदर या पॉन्ड्स के अंदर ग्रो ना हो सके। राउंड अप, राउंड अप हर्बिसाइड इज ए ट्रेड नेम ऑफ। अब ये हर्बिसाइड क्या होते हैं? हर्बिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ये क्या होते हैं? इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो इंसेक्ट को मारते हैं, फंजीसाइड होते हैं जो फंगस को मारते हैं, और हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? हर्बिसाइड, आप बताइए हर्बिसाइड क्या होते हैं? हर्बिसाइड होते हैं जो कंट्रोल करते हैं अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है ना, क्या करते हैं? अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, खत्म कर देते हैं, उसको बोलते हैं हर्ब्स। अब इनमें से बताइए, यहां पे जो मेन टॉप दिए गए हैं, प्रेटिलेकुलर जो है, पेंडीमेथिलीन है, एलोकुलर है, ग्लाइफोसेट है, ठीक है ना, ग्लाइफोसेट। ये देखिए, इसका प्रीट्रैक जो है ये एक हर्बिसाइड है, इसका कॉमन नेम है रिमूवू, R A I M V O V E, ठीक है, रिमूवू कहते हैं। अब पेंडामेथिलीन है, इसका जो कॉमन नेम है वो है स्टॉम्प, S T O M P। अब एलेक्लोर जो है, एलेक्लोर का जो है कॉमन नेम है लेसो, L A S O W, लसो, ठीक है ना। अब रही बात किसकी, ये ग्लाइफोसेट, ठीक है ना। अब जो ग्लाइफोसेट है इसका साइंटिफिक, इसका जो कॉमन नेम है वो है राउंड अप। क्या है? राउंड अप। हो गई ये आपको क्लियर? तो ये पूछ सकते हैं इनके नाम कॉमन नेम, तो कुछ हर्बिसाइड्स की कॉमन नेम भी आप याद कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग एक्वेटिक वीड्स। इनमें से बताइए कि आप एक्वेटिक वीड्स को कंट्रोल करने में कौन से जो है यूजफुल है, ठीक है ना।
यहाँ पे दिए गए हैं जो चार, इनमें से बताइए कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए जी, इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज क्यों आएगा? क्योंकि सबसे पहले है राइजिंग, ठीक है, फिर है जी चेनिंग। अब जो एक्वेटिक वीड्स जो होते हैं, या पॉन्ड्स के अंदर हो या लेक्स के अंदर भी हो, ये कंट्रोल किए जाते हैं। फिजिकल रिमूवल भी होता है इसका, बायोलॉजिकल रिमूवल भी होता है, या फिर हम हर्बिसाइड जाते हैं। अब यहाँ पे जो है ड्रैगिंग, ड्रैगिंग का मतलब क्या होता है? ड्रैगिंग का मतलब होता है क्लियरिंग ऑफ एरिया ऑफ वाटर बाई स्कूपिंग आउट वीड्स, कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिससे हम ड्रैग करते हैं। चेनिंग, चेनिंग का क्या मतलब होता है? एक मैकेनिकल एंड फिजिकल कंट्रोल होता है वीट का, और हर्बिसाइडल आपको पता ही है। तो दैट मींस इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों जो हैं ये कंट्रोल करते हैं एक्वाटिक वीड्स को। ठीक है, नेम ए पार्शियल स्टेम पैरासाइट वीड। यहां पे जो दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कि पार्शियल स्टेम पैरासाइट वीड कौन सी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लोरेंथस। क्या है? लोरेंथस। देखिए, जो वीड्स होते हैं ये कंप्लीटली डिपेंड होते हैं अपने होस्ट पे, ऑन देयर होस्ट। और जो प्लांट्स होते हैं इनको हम कहते हैं टोटल पैरासाइट। ठीक है ना, देखो जो वीड्स होते हैं ना ये कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन देयर होस्ट प्लांट्स, इनको हम कहते हैं टोटल पैरासाइट। अब वीड्स जो पार्शली डिपेंड होते हैं होस्ट प्लांट्स के अंदर फॉर मिनरल्स, या कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स फूड फ्रॉम ग्रीन लीव्स, उनको हम कहते हैं पार्शली पैरासाइट्स। अब क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये वीड्स के नाम है। किसके नाम है? ये कस्कुटा, ये वीड का नाम है। ओरोबेंच, ये भी एक वीड का नाम है। स्ट्रीगा, स्ट्रीगा भी एक वीड का नाम है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? इसको लोंगी फ्लोरस कहते हैं, इसको दुदर कहते हैं, ठीक, इसको ब्रूम रेप कहते हैं, इसको विच वीड कहते हैं। अब टाइप क्या है? जो लोरेंथस है ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। क्या है? पार्शियल स्टेम पैरासाइट। अब जो क्रस्टेशिया है ये टोटल स्टेम पैरासाइट, ओरोबेंच है ये टोटल रूट पैरासाइट, और जो स्ट्रीगा है ये पार्शियल सेमी रूट पैरासाइट। ठीक, अब इनका होस्ट कौन सा है? अगर हम बात करें लोरेंथस की, इसका जो होस्ट है वो है प्लांटेशन क्रॉप मैंगो। ठीक, अब क्रस्टेशिया की बात करें, इसका होस्ट कौन है? लोसर्नी ऑनियन। ओरोबेंची की बात करें, इसका होस्ट प्लांट कौन सा है? टोबैको, मस्टर्ड, ब्रिंजल, चिली। और जो स्ट्रीगा है इसका जो है सोर्गम, शुगर केन और मेज। ये आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। फॉर कंट्रोल ऑफ वीड्स इन पीज हर्बिसाइड्स यूज्ड इज। अब अगर मटर की बात करें, वहां पे जब वीड्स को हम कंट्रोल करते हैं तो कौन सा हर्बिसाइड जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, बताइए आप। इसका आंसर क्या आएगा? एमसीपीबी। ठीक है, एमसीपीबी जो है ये एक फिनोक्सीबुटेरिक हर्बिसाइड होती है जो कि रिकमेंड की जाती है पी क्रॉप्स को बिफोर फ्लोरिंग। ओके, इसको हम ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम वीड्स की बात करें तो हर्बिसाइड पढ़ना है, अब हर्बिसाइड की बात करें तो एक दो नाम निकल जाएंगे आपको यहाँ इसी तरह से। हर्बिसाइड रेजिड्यू इन सोइल इज अनडिजायरेबल बिकॉज, हर्बिसाइड रेजिड्यू जो है ये सोइल के अंदर अनडिजायरेबल है बिकॉज, क्यों? इसका रीजन क्या है बताइए आप। इसका जो रीजन है वो इंजरी टू सेंसिटिव क्रॉप, ये सही है। एक्युमुलेट इन प्रोड्यूस, ये भी सही है। इनहिबिट सोइल माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी। मिमिक्री वीट का नाम आपने शायद सुना होगा, इन वीट फील्ड इज। आप देखिए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? देखो जो मिमिक्री वीट है, ओरेजा सेटिवा वार फतुआ वाइल्ड राइस इन पैडी फील्ड्स, इन एविना फेटुआ वाइल्ड ओट। देखो एक होता है वाइल्ड राइस, वाइल्ड राइस का जो साइंटिफिक नाम है वो है ओरेजा सेटिवा वार, और हम वाइल्ड ओट की बात करें उसका है एविना फेटुआ। ठीक है ना, और कैनरी ग्रास की बात करें फलेरस। तो ये स्मॉल ग्रेन क्रॉप्स होते हैं, ये सर्वाइव बिकॉज ऑफ दियर सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी विद द होस्ट क्रॉप। तो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड मिमिक्री। ठीक है, मिमिक्री क्या होता है? मिमिक्री क्या होता है? अभी मैंने क्या बताया, जिस तरह से चावल, वाइल्ड चावल या वाइल्ड आटा जो होता है, और कैनरी ग्रास जो है, ये स्मॉल ग्रेन्स क्रॉप्स होती हैं जो सर्वाइव करते हैं
किस तरह से सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल जो होस्ट होता है क्रॉप का वो सिमिलर होता है, तो उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं मिमिक्री। तो यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा कैनरी ग्रास और वाइल्ड ओट, ये दोनों इसके हैं आंसर, दैट मीन्स बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर है। ओल्डेस्ट मैथड ऑफ कंट्रोलिंग वीड्स, सबसे ओल्ड मैथड क्या है वीड को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे नीचे दिया गया है, आप बताइए टिलेज, डिगिंग, सिकलिंग या हैंड वीडिंग। पहले पहले क्या करते थे, आपको भी पता है कि पहले पहले क्या करते थे, तो ओल्डेस्ट मेथड जो है वो है हैंड वीडिंग, ठीक है ना, हाथ से वो करते हैं, निकालते हैं जो अनवांटेड होते हैं, ठीक है ना, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं ना उनको हम निकालते हैं, तो किसकी वजह किस हाथ की हाथ से करते हैं, बाई फिजिकल रिमूवल या पुलिंग आउट ऑफ वीड्स बाई हैंड, ठीक है, या हम ऐसे वो खुरपी खुरपी वगैरह लाते हैं या सिकल सिकल के साथ भी करते हैं। ये एक बहुत पुराना ये मेथड है जो को हम कंट्रोल करते हैं वीड्स को, तो जब ये क्या हो जाता है, जब इसको हम निकालते हैं ना तो जो बाकी जो जो क्रॉप होती है या बाकी जो जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप है उसके बीच में ये उग जाते हैं अनवांटेड प्लांट्स, तो इनको निकाल के उनको अच्छी तरह से हर चीज़ मिलती है, ठीक है ना, मिनरल्स मिलते हैं उनको, ऑक्सीजन अच्छी तरह मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, तमाम गैसेस मिलती हैं, तो जिससे वो अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाते हैं, ठीक है ना। अब यही जो वीड्स हैं, वीड्स अब कोई ना कोई नीचे रिकमेंड करेगा सर प्लांट्स के आप बॉटल पढ़ा रहे हैं, देखो यही वीड्स जो हैं ये एक पॉन्ड्स को, ठीक है ना, एक लेक को क्या करते हैं, ये बड़ा इफेक्ट करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि वीड का इफेक्ट पॉन्ड्स के अंदर क्या है, लेक्स के अंदर क्या है, फिश के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब वीड जो होता है पॉन्ड्स के अंदर या लेक्स के अंदर आ जाती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। कमेंट लिखने में थोड़ा तेजी नहीं करना, लेट लिखना। फॉर सॉइल सरफेस एप्लीकेशंस Which of the following herbicide is used to control weeds? इनमें से बताइए कौन सा herbicide हम इस्तेमाल करते हैं soil surface जो क्या करना है ताकि वो क्या हो जाए वहाँ पे control हो जाए weeds का। देखिए जो ट्राइजीन है ये भी एक herbicide है, use होती है, यूरिया को भी हम करते हैं, एनिलीडिया को भी करते हैं, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर आएगा। आप देखो जो weeds होते हैं ये आपको पता चल गया है, हर्बिसाइड का पता चल गया है, ठीक है ना, और जो ये हैं ये भी हर्बिसाइड हैं, ठीक है ना, यूरिया हो गया, एनिलीडिया हो गया, ट्राइजिन हो गया। डोमिनेंट वीड अंडर पडल पैडी सोइल इज एलिक्टिप्टा स्पीशीज, आइपोमिया, अकाइनोकोला, ऑल ऑफ दीज, आप बताइए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, क्या आएगा ऑल ऑफ दीज। आप एक बार पढ़िएगा एपोमिया के बारे में पढ़िएगा, एक्लिप्टा स्पीशीज जो है, ठीक है, और अकाइनोकोला भी है। अब यहाँ पे पैडी फील्ड फिश कल्चर आपने शायद पढ़ा नहीं है, वो पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगी कि सर ने यहाँ ये क्यों पढ़ाया डोमिनेंट वीट के बारे में। जब आप पैडी फील्ड करते हैं ना ये फिश कल्चर, तब हमें पता चलेगा कि इसका कितना फायदा है, ठीक है। आप देखो जो एक्लिप्टस स्पीशीज है ये बिलोंग करती है फैमिली एस्टरेशिया का, ठीक है ना, ये एक एनुअल या पेरिनियल वीड होती है जो सीड्स इसके होते हैं, ये जर्मिनेट करती है थ्रू द ईयर अप टू 90 सेंटीमीटर टॉल। उसके बाद जो है आइपोमिया जो है ये बिलोंग करती है कनवुलेसिया फैमिली के अंदर आती है ये, और ये स्मूथ वाइल्ड स्प्रेड होती है पेरिनियल ब्रूड लीफ वाइन, फास्ट ग्रोइंग रूट होती है ये 15 से 50 सेंटीमीटर टॉल होती हैं। उसके बाद जो है अकाइनोकोला जो है ये बर्न यार्ड ग्रास इसको हम कहते हैं, ठीक है ना, बर्न यार्ड ग्रास भी कहते हैं, ये एनुअल प्रोलिफिक सीड प्रोड्यूसर होते हैं, ये ग्रो करते हैं साल में 200 सेंटीमीटर टॉल। ओके, थोड़ी बहुत तुम नॉलेज लेनी चाहिए ना। अलगल ब्लूम रिजल्ट्स इन, अलगल ब्लूम आपने देखे होंगे जब आप किसी पॉन्ड्स या किसी अच्छी लेक्स के अंदर आप देखते होंगे वहां पे कुछ इस तरह से जो है वो बने होते हैं, ठीक है ना, ब्लूम की तरह, उनको हम कहते हैं अलगल ब्लूम्स, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ जो है इम्पोर्टेंट है अलगल ब्लूम्स जो है ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
ये किसकी वजह से होते हैं? ये होते हैं यूट्रोफिकेशन। किसकी वजह से? यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, द प्रोसेस ऑफ आवर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड अलगे, यहाँ एल है ठीक है ना, अलगे इन लेक्स इज नोन एज। जब ओवर ग्रोथ हो जाता है प्लांट्स का और एल्गे का लेक्स के अंदर, उसको क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। अब हमने पीछे क्या पढ़ा? पीछे हमने पढ़ा अल्गल ब्लूम्स, जो अभी अल्गल ब्लूम्स ये बन जाते हैं ठीक है ना, ये किसकी वजह से बनते हैं, इसको क्या आता है? यूट्रोफिकेशन। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ठीक। फिर डैश डैश जोन लाइज बिटवीन यूफोटिक एंड बेंथिक जोन। आप बताइए इनमें से कौन सा जोन जो है लाइक करता है बिटवीन यूफोटिक एंड बेंथेटिक। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? लिटोरल जोन। क्या आएगा? लिटोरल जोन जो है इसका सही आंसर है। आप देखो जो लिटोरल जोन होता है ये लाइक करता है बिटवीन यूफोटिक एंड बेंथेटिक जोन। द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स टेक प्लेस इन दिस जोन। जो ग्रोथ होती है ना प्लांट्स की वो इसी जोन में होती है। द अपर मोस्ट जोन इन लेक्स इज कॉल्ड, अपर मोस्ट जो होती है जोन लेक्स को क्या कहते हैं? यूफोटिक। जो यूफोटिक है ये अपर मोस्ट जोन है लेक्स के अंदर, जहां पे सनलाइट पास होती है थ्रू द लेक। ओके, यूफोटिक क्या होती है? अपर मोस्ट जोन होता है, लेयर होती है किसके अंदर? लेक के अंदर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक्स। इनमें से बताइए कौन प्रमोट करता है यूट्रोफिकेशन किसके अंदर? लेक्स के अंदर। इसका आंसर आएगा डी, फास्फोरस। क्या आएगा? फास्फोरस। फास्फोरस प्रमोट्स द यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक्स क्योंकि ये हेल्पफुल होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन लेक्स। इट कैन इजीली रीच द लेक्स थ्रू इंडस्ट्रियल वाटर। तो ये है फास्फोरस ठीक है। In which zone decomposition of the dead organisms take place? यहाँ पे बताइए कौन सा zone होता है जहाँ पे decomposition जो होती है dead organism की वो take place होती है? बताइएगा इसका सही answer क्या है? देखिए जिसका सही answer है वो है benthic zone। क्या है? benthic zone जो है ये इसका सही answer है। अब जो benthic zone होता है यहाँ पे dead organism जो है ये settle down हो जाते हैं, वहाँ पे decomposition take place होती है by bacteria। बाई बैक्टीरिया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स हैज मिनिमम प्रोडक्टिविटी? मिसोट्रॉपिक, सेंसिट लेक, ओलिगोट्रॉपिक या यूट्रॉपिक? बताइएगा आप इसका जो आंसर है वो क्या है? इसका आंसर क्या आ सकता है आपके ख्याल से? इसका जो आंसर है वो है ओलिगोट्रॉपिक। ओलिगोट्रॉपिक लेक जो होती है ये मिनिमम प्रोडक्टिविटी होती है क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लो फास्फोरस। यहाँ पे फास्फोरस लो होता है, नाइट्रोजन भी लो होता है और भी बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वहां पे लो होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? मिनिमम क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पे ओलिगोट्रॉपिक के अंदर जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और न्यूट्रंट जो है वो बहुत कम होते हैं। डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ एसरेशन ऑफ यूट्रोफिकेशन ड्यू टू इंक्रीज्ड फास्फोरस कंटेंट्स इन लेक। बताइएगा फोटोसिंथेसिस, केमिकल यूट्रोफिकेशन, कल्चर यूट्रोफिकेशन या कस्टम यूट्रोफिकेशन? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका जो आंसर है वो है कल्चरल यूट्रोफिकेशन। कल्चरल यूट्रोफिकेशन। ओके, यहां तक क्लियर? कल्चर यूट्रोफिकेशन जो होती है इज द एक्सेलरेशन ऑफ यूट्रोफिकेशन ड्यू टू एक्सेसिव न्यूट्रिएंट इन द वाटर। इट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, क्या हुआ? कल्चर यूट्रोफिकेशन क्या होता है? ये इज द एक्सेलरेशन ऑफ यूट्रोफिकेशन ड्यू टू एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर। और ये क्या होता है इससे रिजल्ट? कि डेथ होती है एक्वेटिक प्लांट्स की या और एनिमल्स की। The eutrophication process leads to turbidity in lakes. क्या यह सही है या गलत? Eutrophication process जो है ये turbidity को lead करती है lakes के अंदर, ये सही है या गलत है? बताइएगा इसका answer क्या आ सकता है? इसका answer है सही, true। क्या है? True इसका सही answer, true इसका answer है।
यूट्रोफिकेशन प्रोसेस जो होती है ये कॉज करती है अल्गल ब्लूम जो कि रिजल्ट इन द मिल्कीनेस इन वाटर कॉजिंग टर्बिडिटी। ठीक ओके। विच टाइप ऑफ पोल्यूशन इज कल्चरल यूट्रोफिकेशन? इनमें से बताइए कौन से टाइप का पोल्यूशन जो है जिसको हम कहते हैं कल्चरल यूट्रोफिकेशन, बताइए। ये तो इजी है, बहुत इजी है, बताइएगा। इसका आंसर है वाटर पोल्यूशन। ठीक है, क्या है? वाटर पोल्यूशन। कल्चरल यूट्रोफिकेशन इज ए वाटर पोल्यूशन। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव न्यूट्रन फ्रॉम हाउस वेस्ट इंडस्ट्रीज एटेस्ट्रा, जो कि पोल्यूट करते हैं लेक्स को, जिससे क्या होता है जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम हो जाती है, एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, दैट मींस वाटर पोल्यूशन। ओके, द लेक्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी, बताइएगा इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 4। ठीक है, लेक्स जो है क्लासिफाई है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी 4, जिसमें सबसे पहले अगर नाम बताएं वो है सेनिसेंट, दूसरा है ओलिगोट्रॉपिक, तीसरा है यूट्रोफिक एंड चौथा है मीसोट्रॉपिक। ठीक है, कितने? 4। कौन कौन से? सेनिसेंट, ओलिगोट्रॉपिक, यूट्रोफिक और मीसोट्रॉपिक, ये जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है लेक्स को क्लासिफाई किया गया है। The depth of euphotic zone is measured by, आप बताइए जो euphotic zone की जो depth होती है उसको measure किससे किया जाता है? Guess कीजिए इसका answer क्या हो सकता है? क्या calorimetry हो सकती है, turbidity meter हो सकता है, Secchi disc हो सकता है या radar हो सकता है? इसका जो सही answer है वो है Secchi disc। जो डेप्थ होती है यूफोटिक जोन की ये मेजर की जाती है सेची डिस्क के साथ। वेयर इट इज पुट इन द लेक इन द डेप्थ एट विच द डिस्क बिकम्स इनविजिबल इज टेकन एट द डेप्थ ऑफ यूफोटिक जोन। ओके, द साइज ऑफ सस्पेंडेड सोइल लाइज इन द रेंज ऑफ, सस्पेंडेड सॉलिड लाइज इन द रेंज ऑफ, साइज ऑफ कितना होता है? ये होता है या ये होता है? ठीक है, 10 रेज पावर 3 टू 10 रेज पावर 6 या 10 रेज पावर 1 टू 10 रेज पावर 3, इसका जो सही आंसर है वो है 10 रेज पावर 1 टू 10 रेज पावर 3, ये इसका सही आंसर है। ये होता है सस्पेंडेड सॉलिड। अब अगर हम बात करें कोलाइडेड सॉलिड, वो होते हैं 10 रेज पावर 3 टू 10 रेज पावर 6। ठीक है, अब कुछ होते हैं डिजॉल्वड सॉलिड, वो होते हैं 10 रेज पावर 6 से अबव। तो ये चीजें भी अगर हमें लेक पढ़ना है, लेक का वाटर पढ़ना है, फिर तो ये चीजें भी हमें पढ़नी पड़ेंगी। क्या प्रोसेस है? एग्जामिनर कहां से आपको पेपर में क्वेश्चन डाल देगा? मेरी तो ये कोशिश है कि आपके लिए हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, कोई ऑप्शन ना बचे जहां से क्वेश्चन वो टच करे और हम ना कर पाए। विच मैथड इज यूज टू मेजर द कलर ऑफ वाटर, Which method is used to measure the color of water? Gravimetric analysis, chromatography, tintometer method या hydrometer analysis? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो है tintometer method। ये करता है measure color of water। ये क्वेश्चन बड़ा important है, easy भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है आप में से किसी ने पढ़ा होगा। ठीक, तो ये कलर होता है वाटर का, ये मेजर बाय टिंटोमीटर मेथड। इट इज मेजर्ड ऑन बर्गरेस स्केल और कोबाल्ट स्केल्स बाय नेस्लर ट्यूब। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन के लिए भी आपका इतना ही बहुत आपके आपके लिए जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है। इन विच प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग आयन एक्सचेंज फिनोमिना टेक प्लेस, अब इनमें से बताइए कौन सा जो है प्रोसेस है जिससे जो वाटर सॉफ्टनिंग हो जाती है, आयन एक्सचेंज फिनोमिना टेक्स प्लेस किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसका सही आंसर क्या है, क्या हो सकता है? इसका आंसर है जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट प्रोसेस जो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है इनको रिमूव किया जाता है फ्रॉम हार्ड वाटर बाई आयन एक्सचेंज फिनोमिना।
क्या होता है जियोलाइट प्रोसेस? अगर वहां पे पूछा गया जियोलाइट प्रोसेस क्या होता है, आप बता सकते हैं, सर जियोलाइट प्रोसेस जब कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव किया जाता है हॉट वाटर से बाय आयन एक्सचेंज फिनोमिना, उसको जियोलाइट प्रोसेस कहते हैं। ओके, इससे वाटर सॉफ्टनिंग होती है। जियोलाइट्स आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ डैश डैश एल्युमिनियम एंड लाइम, सिलिका एंड सोडा, एल्युमिनियम सिलिका एंड सोडा या लाइम एंड सोडा। इसका जो सही आंसर है वो क्या आ सकता है? इसका सही आंसर है ये एल्युमिनियम सिलिका एंड सोडा, ये इसका सही आंसर है। जियोलाइट्स जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ एल्युमिनियम सिलिका एंड सोडा। इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ, अभी हमने क्या पढ़ा, रिमूविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम वाटर एंड सब्स्टिट्यूटिंग सोडियम इन देयर प्लेस। एन अल्गल ब्लूम इज द रैपिड ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ डैश डैश फंजे प्रोटोजून अलगे, बताइए आप इसका आंसर क्या आ सकता है? बिल्कुल इजी है। देखो जो अल्गल ब्लूम्स होते हैं आपने तो कई बार देखा होगा, जिस तरह से आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो अल्गल ब्लूम्स होते हैं ये क्या होते हैं? पहली बात ये क्या होते हैं, ठीक है, ये अलगे होते हैं। क्या होते हैं? ये अलगे होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं अल्गल ब्लूम्स। पहली बात तो ये क्लियर हो गया आपकी, ठीक है। दूसरी बात, इन जनरल अल्गल ब्लूम्स ओकर विन, कब अल्गल ब्लूम ओकर होते हैं, ये जनरल बात है, बताइएगा अल्गल ब्लूम्स जो है ये कब ओकर होते हैं, यूजुअली कब होते हैं, बताइए इसका आंसर क्या आ सकता है? इसका आंसर आता है न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज इन वाटर, जब न्यूट्रिएंट जो है इंक्रीज हो जाते हैं वाटर के अंदर तब जो अल्गल ब्लूम्स हैं ये बन जाते हैं। यहां पे अल्गल ब्लूम्स का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अल्गल ब्लूम्स यूजुअली ओकर विन न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज इन द, कहां पे होते हैं ये, वाटर के अंदर या एयर के अंदर या सोइल के अंदर? इसका आंसर तो है वाटर, वाटर की बात चल रही है, वाटर के अंदर जब इंक्रीज हो जाते हैं तो अल्गल ब्लूम वहां पे पैदा हो जाते हैं, बन जाते हैं, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, द रैपिड ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ अलगे इन आइदर फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर एनवायरमेंट इज कॉल्ड, जब रैपिड ग्रोथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, अल्गल ब्लूम। अल्गल ब्लूम का एक और आपको प्रॉपर्टी मिल गई, एक और आपको करेक्टर मिल गया कि अल्गल ब्लूम क्या होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, चलो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ये जो था लेक्चर, इसमें हमने कोशिश की कि अल्गल ब्लूम को टच किया जाए, वीड्स को टच किया जाए, लेक्स को टच किया जाए, लेक्स का वाटर को टच किया जाए, तो हमने कोशिश की, ठीक है ना, कोशिश की कि आपके लिए जो लेक्चर ये हो फायदेमंद हो। आप देखते रहिए टीचिंग बायोलॉजी, आपको पूरा सिलेबस जो है इंशाल्लाह हम आपके लिए लेके आएंगे, तो आप जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जहां तक मैं देख रहा हूँ, मैंने नोटिस किया है कि देख तो रहे हैं बच्चे बट लाइक नहीं कर रहे। आई थिंक मुझी में गलती होगी, इसीलिए आप लोग लाइक नहीं कर रहे। चलो ठीक है, थैंक यू।